टाइम खराब है या वास्तु खराब है पता नहीं, कारनामे शिवम के थे और पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया। अब उस बिल्डर की एक गलती की वजह से देखो हमारी दुकान को तोड़ फोड़ दिए। वो तो पुलिस टाइम पर आ गई इसलिए हम लोग बच गए। पुलिस को बुलाने वाले अंदर बैठे हैं। पंखा किसने चालू किया? थैंक्स बोलिए, आधा ऑफिस बचाने के लिए। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, कम बोल। मिस्टर सत्यम, लफड़ा जो लोग कर रहे हैं उन्होंने पैसा प्रमोटर्स को दिया है। पुलिस के डराने पर वो लोग तो भाग गए, पर मैंने पैसा किसको दिया है याद है ना तुम्हें? नहीं होगा, इसलिए मैं प्रूफ साथ लाई हूँ। सत्यम, मैं तुम पर भरोसा करके दे रही हूँ। मेरी माँ ने मरने से पहले ये पैसे दिए थे, वही एडवांस लेकर आई हूँ। अच्छा, अच्छा। आपकी डिटेल्स मेरे फोन सेल में है, याद रखना तुम। मुस्कुरा के पोज देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में ही बोलो। क्या बोलना है? ये 2,00,000 रुपए हैं। मैं सत्यम इसे ले रहा हूँ और मैं ये कैश प्लॉट नंबर 24 के एडवांस के तौर पर ले रहा हूँ। मेरा ये कैश पैसा? हाँ, ये कैश पैसा जो है, अगर बिल्डर ने इसे फंसा दिया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ मेरी होगी। मैं सुभाषिनी को सारे पैसे लौटाने करके बहुत अच्छे से शूट किया है। हाँ, हम लोग चलते हैं। हेलो सर, जरा रुकिए 5 मिनट्स। पैसा कब, कहाँ और कैसे दोगे? थोड़ा टाइम दीजिए, मैं लौटा दूंगा। थोड़ा मतलब? 3 महीने में लौटा दूंगा। 3 महीने मतलब रोज का 2,500, ठीक है ना? ये तो अभी से 10,000 एक्स्ट्रा मांग रही है और तू सिरे ला रहा है। मोबाइल दो भाभी, ये लो फोटो खींचो। हाँ। सर आप भी पास में आकर खड़े हो जाइए सबूत के लिए। अब थोड़ा जूम कीजिएगा, अच्छा वीडियो बनेगा। अरे धक्का मत दो, साइड में रहो, साइड में रहो। फोटो क्यों ले रहे हो? पैसा वापस ले लिया है, ऐसा प्रूफ चाहिए ना। अच्छा, दोबारा बेवकूफ बनने के लिए सत्या तैयार नहीं है। ले लो ले लो। okay. और जल्दी फोटो की व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके okay. चार फ्लैट मेरा। ए, तू ही उस दिन ज्यादा गुस्सा कर रहा था ना। हाँ जी। उस दिन बहुत मजा आ रहा था। है? बोलो। वह बिल्डर तो नकली नोट रखता है, तू असली नोट कैसे लिया? नोट देते वक्त क्या कर रहा था? सत्यम के पैरों पर गिर गए। आजम नहीं हुआ। हाँ, सत्यम ने उसे ऐसा धोया कि वो खुद ही पैसा देके चला गया। भरोसा नहीं होता? तुम्हारे बोलने पर मैंने भरोसा किया, मेरे बोलने पर ये भरोसा नहीं करता। अब भरोसा करेंगे। सत्यम ने बोला तो सही बात है, सत्यम की बात झूठ नहीं हो सकती। सत्या भाई, तुम हमारा पैसा लौटाया, तुम्हारा धन्यवाद। ये लीजिए, यहाँ पर और 2,00,000 बचा है। हाँ, ये हमारा पैसा है, सुबह को देना है। किसी का भी फोटो नहीं निकालोगे तो चलेगा, लेकिन इसका फोटो जरूर निकालना है। आइए, 1 मिनट इधर देखिए। अरे रे, तुमने मुझे पहले ही 82,000 दे दिए, अब बस बैलेंस दे दो। अरे पहले जो पैसे दिए थे उन्हें तुम भूल जाओ, ये पैसे तुम्हारी मम्मी ने दिए थे, ये रख लो प्लीज, मना मत करना। तो फिर तुम्हारे दिए हुए पैसे? वो मैंने आपको जैसे दिए थे वैसे ही आप मुझे लौटा दीजिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा। वो कैसे? बार बार वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं चलता हूँ शुभा। मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारे साथ आऊंगी, चलो। शुभा, सब भगवान के दर्शन करने के बाद ही पैसे देते हैं, तुमने तो दर्शन से पहले ही पैसे दे दी। अंदर आने से पहले अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा, ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या हुआ? चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं। क्यों? मुझे पापा की याद आ गई, बचपन में वही मुझे अंदर लेके जाया करते थे। और अब मैं लेकर जाऊंगी, चलो। नहीं शुभा, रहने दो, तुम्हारे पापा बुलाएंगे तो जाओगे ना? ए सत्यम, तुम मेरे साथ चलो। कान पकड़ के उठक बैठक करो, वरना भगवान बुरा मानेंगे। और अच्छे से करो, भगवान हमें खुश रखना। क्या यहाँ वहाँ देख रहे हो? हाथ जोड़ो। मेरे पापा भी तुम्हारी तरह ही थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए तुम इतने अच्छे हो। भगवान से क्या मांगा? मांग कर क्या करूंगा, न पापा है न माँ, भाई बहन भी नहीं है। सॉरी, है पर नहीं है। तुम हो ना,
आखिरी सांसों तक मेरा साथ देने के लिए? मैंने भगवान से कुछ और ही मांगा, पर अलग तरह से। क्या? शिवम को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले, जब तक वो सुधरता नहीं तब तक वो जेल में ही रहे। क्या सोच रहे हो? तभी तो तुम चैन से रह सकते हो, उसके बाद ही हम दोनों खुश रह सकते हैं। हाथ छोड़ो। क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़ो। क्यों? भाभी, वो आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन उस वक्त हमें आपके बारे में कुछ नहीं पता था। ये बात मैं सुबह के भैया को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आपकी सच्चाई सामने आ गई। मैं जो कहने वाली हूँ उस बात का बुरा ना माने, सुबह अब आपको पसंद नहीं करती है। सुबह के भैया आने वाले ही हैं। फिर मिलेंगे। एक मिनट, अभी आपने क्या बोला? फिर मिलेंगे कहा मैंने? अब कभी नहीं, प्लीज। होते हुए भी तुझे लड़की लाइन मार रही है? अपनी पर्सनालिटी ऐसी, ऐसे मजाक करेगा तो मान लेंगे क्या? अरे चढ़ाना क्या कर? हाँ? चल, नहीं मैं बाइक पर आऊंगा। ए, नहीं आया तो बहुत मारूंगी। चल। अरे अरे मेरा बैग। गलत मत समझिए अंकल, मुझे पता है आप अच्छे हैं, पर आंटी को ये नहीं बताना। छोटी उम्र में कितनी बड़ी बात बोल रहा है अंकल, इस पे भरोसा मत करना, ये बहुत बुरा है। कैसी बात करके जा रहा है? हाथी का बच्चा। ए, तू क्या सोचने लगा? लड़कियां तो हंसती ही हैं लड़कों को रुलाने के लिए। ए, 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 तू नहीं सुधरेगा। शुभा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ कहना इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। मैंने ये सब क्यों किया पता है तुम्हें? बहुत प्यार करने वाले पापा चले जाएंगे तो कितना कष्ट होता है पता है, लेकिन आज तुम उनका सपना पूरा करने के लिए तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो। सिर्फ मैं ही नहीं, पैसों के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है, तुम भी तो भाग रही हो। तुम्हारी मम्मी के दिए हुए पैसे इन्वेस्ट करके उसे दुगना करना चाहती हो ना? बिल्कुल वैसे ही मैं भी मेरे पापा जैसा चाहते थे वैसा ही बनना चाहता हूं। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, बिगेस्ट बंगलो, कॉस्टलीस्ट कार, इसी तरह जीने के लिए मैंने पैसे लूट कर रखे हैं। अगर पापा के पास पैसे होते तो वो कभी पागल ना होते, ठोकरे ना खाते। इन पैसों ने ही
मेरे पापा को मुझसे अलग किया है। पैसों की कमी की वजह से मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा अपना कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। कैसे रहेगा? अगर तुम अच्छे से रहोगे तो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे ना। ऐसे चुड़वा बनकर नाटक करके छिप छिप कर अंधेरे में जिंदगी निकालने वाले के साथ कौन रहेगा बताओ? कोई भी बुराई का साथ नहीं देता। तुम्हारे पापा ही नहीं बल्कि सभी के पापा चाहते हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो क्या इसके लिए जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर तो नहीं चलेंगे ना? ठीक है, ये बताओ तुम्हारे पापा ने तुम्हें चोरी करना सिखाया? नहीं ना, उन्होंने मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा। उन्होंने बड़ा आदमी बनने के लिए कभी भी चोरी नहीं की, भीख भी नहीं मांगी। तुमने कहा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, बहुत पैसे हैं। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इसलिए क्योंकि तुम अपने पैसों से एक चीज कभी भी नहीं खरीद सकते, और वो क्या है तुम अपने आप से पूछो, यू विल गेट द आंसर। तुम शिवम हो ये सच है या सत्यम हो ये सच है मुझे नहीं पता, पर मैंने तो हमेशा से सत्या से ही प्यार किया है। तुम पैसों की तो चोरी कर सकते हो, तुम सब कुछ चुरा सकते हो, मैं जानती हूं, लेकिन एक सच्चे प्यार को चुरा नहीं सकते। तुम्हारे पास सत्यम आया है। सत्यम। भाभी, सत्यम आया है। मैंने शक्कर ज्यादा डाली है। शिवम का क्या करने वाले हो? पुलिस में सरेंडर करवा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करूंगा तो फंस जाऊंगा मैं। तो फिर? पता नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दो, लेकिन मैं वादा करता हूं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, सच कहता हूं। तुम्हारे सर की कसम।